तो प्रेमी सजनों, अब आपकी सेवा में गोपी चंद के किस्से से कुछ रागनियां पेश करता हूं। एक समय की बात है कि धौलागढ़ के राजा पद्मसेन एक लड़की चंद्रावल और लड़का गोपी चंद को जन्म देकर स्वर्गवास कर जाते हैं। चंद्रावल जब जवान हो जाती है तब गोपी चंद ने उसका विवाह बंगाल के राजा के साथ कर दिया। महारानी मैनावंती धारा नगरी की राजपाल थी और गोपी चंद युवराज पद का काम करते थे। ये बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर युवक थे, इसलिए इनको 16 राजकन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। मां मैनावंती को चिंता होती थी कि कहीं मेरा पुत्र भी अपने पिता की तरह जल्दी ना चला जाए, इसलिए इसको योग क्रिया सिखवाकर अमर कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कई बार गोपीचंद से गोरखनाथ का चेला होने के लिए कहा। उन दिन गोरखनाथ का डेरा उन्हीं के बाग में था तो मां गोपीचंद से क्या कहने लगी, सिद्धि और जोग जुगती गोरख से जान ले। अमर हो जा।
नहीं पता अरे श्याम का नहीं है संघर्ष सीलिया राम का नहीं श्याम का पिंजरा तीर थदा तू सदा पिछाण ले आठ सिद्धि और जोग जुगती गोरखते जा जीवन भर से अमर होड़ के लिए जिंदगी भर सपना बेतार से पूर्ण होय कामना मेरी यही लगन सेवा सिद्धि और जोग जुगती गोरखते जान ले सिद्धि और जोग जुगती गोरखते जान ले कैसी अजब विडंबना है। माँ अपने पुत्र को चिरंजीव देखना चाहती है, चाहे उसको उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। ममता के बस होकर माँ भूल जाती है कि अपने पुत्र को योगी बनाकर परिणाम क्या निकलेगा। माँ केवल यही जानती थी कि उनका पुत्र हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहिए, परंतु गोपीचंद जानते थे कि योग कार्य बड़ा ऊंचा कार्य है जो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। माँ को कैसा भ्रम हो गया है, वो नहीं जानती थी कि योगी फिर भोगी भी रह सकता है। गोपीचंद अपनी माँ के प्रेम में मुग्ध होकर अपनी माँ को किस प्रकार समझाने लगा। अरे हाथ जोड़ के रमे नामाते भाई, हाथ जोड़ के रमे नामाते बूझ रहे भोपाल राज छोड़ के जोगी बढ़ जा पेचीदा सवाल बावली पेचीदा सवाल हाथ जोड़ के मैं ना मत हाथ जोड़ के रहे भोपाल ओ राज छोड़ के जोगी बढ़ जा बेटी दा सवाल बावे।
का धाम से दाम का पुजारी राजा, दाम का पुजारी राजा मोह का बवाल हो सागने मिलेंगे री कैसे मानसर सताल बावड़ी मानसर सताल जाना
योगियों का हाल बावड़ी योगियों का हाल हाथ जोड़ के मैं नामाते हाथ जोड़ के मैं नामाते बूझ रहे पेचीदा सवाल बावड़ी पेचीदा सवाल गोपी चंद ने मैनावंती को कई बार समझाया। इन्होंने बताया कि माँ मैं राजपूत हूँ, भवनों में रहने वाला शासक, योग का अभ्यास किस प्रकार करूंगा, यदि यह संभव भी हो सकता है तो इस राजभार का क्या होगा, पता नहीं योगी को राज चलाने का अधिकार होता है या नहीं। परंतु माता इन सब बातों को सुनने वाली कहाँ थी, उसकी तो यही इच्छा थी कि गोपी चंद काल से मुक्त होकर शासन करे। मैनावंती ने गोपीचंद के सुझाव को ठुकरा दिया। तब गोपीचंद अपनी माँ मैनावंती से किस प्रकार कहने लगा, अरे जोगियों का चेला बन जा, जोगियों का चेला बन जा, रोज की शिकायत फायदा के चावे के दे, फिर देखी बात तेरी माँ, फिर देखी बात जोगियों का चेला बन जा, जोगियों का चेला बन जा, रोज की मंडल में भूप का प्यार भूमंडल में संत का जगत का मंडल में हरी साधुओं का हरी जंगल में हाँ साधुओं का जंगल में बल शेरों की सरकावे आगे
लागे माँ जोगिया ने एक से लागे दिल बिना धर्म था। गोपीचंद विवश होकर अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपने कदली बाग को चलता है। वहां पर गुरु गोरखनाथ का डेरा था। यह बाग नगर से 12 मील दूर था। भैया आज्ञा लेकर महाराणी ते गोपीचंद चले रजधानीत आरे पाचा का देली बागे जहां गुरु गोरख का डेरा ढंग
शीश है सपा चटे तगड़े, मूझ का खिंचा है तंग, कमंडल कारे तकिया बखिया लंगोटा बनाया नंग, कमंडल कारे तकिया बखिया लंगोटा बनाया नंग। पीताम्बर पट्टी लड़चन लड़का जनेऊ कार झोटा पीट, रुद्रास कार कठलागल में माथे पे तिलक की छीट, मौन साधे बैठे साधु इशारे में बोले नीठ, मौन साधे बैठे साधु इशारे में बोले नीठ। सीटे सिंहासन प्रग छाला का ढंग निराला चट साला का, अनुराग एक सब ना मेरा ना तेरा। हारे आज्ञा लेके मरणीत गोपी चंद चले रजदानीत, डेरा अरे साधु काया में लिपट रहे नाग, फूलों में झटक रहे भौरे सुगंधी में झूमे बाग, फूलों में झटक रहे भौरे सुगंधी में झूमे बाग। करवंडब कवारी कोयल तोता में ना बोले राम, हंस मोर सार से सुरजी डालिया पे चिड़िया श्याम, दौड़ागढ़ के राजा मोगे स्वर्ग ते विसुतरा धाम, दौड़ागढ़ के राजा मोगे स्वर्ग ते विसुतरा धाम। नाम गामे और गेरे प्रीते नाम गामे और गेरे प्रीते ना, राज पाठ गड हारे जीते ना, आत्म बले बैराग झूठे जग माया का घेरा। चढ़ाए कहीं बगीचे में लुटे लुटे लंगोटे लगाए, कहीं बगीचे में लुटे लुटे लंगोटे लगाए, कहीं चंद रूप चंद्रमा से मध्य में समाधि लिए, मा
आया करिश्मा जग में सब ब्रह्मा की अनादि लिए ऊंचासन पैर गोरख बैठे गुरु की उपाधि लिए ऊंचासन पैर गोरख बैठे रे गुरु की उपाधि लिए किए दर्शन जब योगी राज के किए दर्शन जब योगी राज के भूल गए सब सारे राज के आज खुले मेरे भाग कागे सुख हंस में ले पकड़ लिए पावे आंख खोल बोलो योगी शरण तेरी आज्ञा रावे आंख खोल बोलो योगी मैं शरण तेरी आज्ञा गुरु गोरख के दर्शन करके नए सुख में लीन हुआ सत्य की सरा में बढ़के राज सार ही ने हुआ करने अमर भेज दिया माने राव का यकीन हुआ करने अमर भेज दिया माने रे राव का यकीन हुआ सीने हुआ रे रंग सीने निखर के सीने हुआ रे रंग खरे के फूल की शोभा हो ये बिखरे के आए गुरु शरण दास बड़ा त्याग भागे में के लिखरी ना बेरा सत्संगति का सुख ही अनोखा है। सत्संगति का प्रभाव सदपुरुषों के हृदय पर विद्युत गति से भी शीघ्र पड़ता है। साधुओं के सुख ने राजा गोपीचंद के हृदय को छू लिया। वो राज सुख को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि तू सचमुच ही अमर हो गया। कितना सुंदर वातावरण है। यहां न कोई चिंता है न ही किसी का डर। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। मनुष्य कुछ भी कर ले इसमें संतों को विश्वास नहीं होता। जो होता है वह प्रारब्ध का कारण लेकर होता है। इसलिए कर्म का परिणाम क्या होगा सोचने की आवश्यकता नहीं। इस तत्व से गोपीचंद प्रभावित हो गया और उन्होंने राज सुख को केवल भ्रांति मानकर ठुकरा दिया और गुरु गोरखनाथ की शरण में आकर इस प्रकार कहने लगा अरे जोगी राज मेरी राम राम ले बेट में चाहे धरण धाम ले
शरणागत का हाथ थाम ले, मैं पाप पकड़ू तेरे पाप पकड़ू तेरे पाप। जोगी राज मेरी राम राम ले, बेट में चाहे शरण धाम ले, शरणागत का हाथ थाम ले, मैं पाप पकड़ू तेरे पाप पकड़ू तेरे पाप। चंद मेरा नाम है गुरु जी, दौलागढ़ मेरा गाम गुरु जी, मुझ सेवा का काम गुरु करो, हाँ भर लो तुम हाँ भर लो तुम फरक जान लिया दिवस रैन का, ओ फरक जान लिया दिवस रैन का, भाई पदम सैन का पुत्र अकेला, घर से बाहर आज धकेला, अमर रहे गोरख का चेला, बन मां कहरी मेरी मां कहरी मेरी सुख ते शीतल हो गई काया, हिरन बोलिया सुख ते शीतल हो गई काया, अरे माया का संसार जाल है, संतों के पाबंद काल है, माँ का सच मुझे ठीक ख्याल है, वो जानती हानि नफा जानती हानि नफा। अरे दुख से दूर रहे ये योगी, हेर भाई दुख से दूर रहे ये योगी, अरे भोगी भगत के भाव छोड़ के, वो बंधन की डोर तोड़ के, आ पहुंचा थारे पास दौड़ के, मैं सच्ची कहूँ सुसपा सच्ची कहूँ सपा, योगी राज मेरी राम राम ले, भेंट में चाहे धरण धाम ले, शरणागत का हाथ थाम ले, मैं पाप पकड़ू तेरे पाप पकड़ू तेरे चंद की मृदु वाणी गोरखनाथ के मन में समा गई। संत दया के भंडार होते हैं,
दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। गोरखनाथ ने गोपीचंद को यथा आसन पर बैठाया और बड़े प्यार से उन्होंने सारा कारण पूछा। गोपीचंद ने भी उनको सारा विवरण सुना दिया। गुरुजी ने कहा, पुत्र, योग बड़ा कठिन काम है। तू अपने राज आनंद को छोड़कर इस निरी दुनिया में प्रवेश मत करे। मैनावंती तो मोह के वश तुझे इधर धकेल रही है। यह दुनिया उस दुनिया से कतई भिन्न है जिसमें तू आज तक आनंद का अनुभव कर रहा है। तू उस अंतर को मेरे से सुन तो गुरु गोरखनाथ गोपी चंद को किस प्रकार बताते हैं। अरे जोग भोग में अंतर राजन, हम सेवक नारायण के, मृग छाला पर शयन करे हम तुबलो भी सिंहासन के। जोग भोग में अंतर राजन, हम सेवक नारायण के, मृग छाला पर शयन करे हम तुम लोग भी सिंहासन के। परिश्रम तावाती अरे जोग भाग की रेखा है। ये संसार सुना माया का, रचा सार नहीं देखा है। ये संसार सुना माया का, रचा सार नहीं देखा है। लोभ नरक का छाला पर शयन करे हम तुम लोग भी सिंहासन के। स्वार्थ का बंधन हम जीते हैं परमार्थ में, काम क्रोध मध लोभ संत को बाधक न होता पथ में। भोगी भगे भरम के भूले, जोगी समता के रथ में, जोगी है निश्चित मदा विश्वास विधाता के खत्म। अरे संता के मत में जग झूठा है, हम पंच निर्जन बन के, मृग छाला पे शयन करे हम तुम लोग भी सिंहासन के। भरे आ सर्वस्व भरा कमंडल में,
करते संतोष सार में, तुम दौड़ो सारे थल में, योगी पुरुष हिंसावादी तुम्हें घूमो अपने ही बल में, तुम डूबो मथे रामध में, हम विश्वासी गंगा जल में, तुम डूबो मथेरा मध में, हम विश्वासी गंगा जल में, धरती पे सबर करे थरे कोठे भर रे राशन के, मृग छाला पे सयन करे हम, तुम लोग भी सिंहासन के, भोग की समताना योग दर्शन करे ब्रह्मा के भाव, जिनका मन में रमताना, संत सत्य का पालन करते भोग सत्य पे थमताना, न्यायकारी स्वयं बने नर कदे न्याय पे जमताना, न्याय करी स्वयं बने नर कद न्याय पे जमताना, गुरु शरण दास के भ्रमता ना जाने, पंख कसे अपने मन के, जग छाला पे सयन करे हम, तुम लोग भी सिंहासन के, जोग भोग में अंतर राजल हम सेवक नारायण के, जग छाला पर सयन करे हम, तुम लोग भी सिंहासन के, सत्य के ग्राहक थे। असत्य प्रपंच से घृणा होना स्वाभाविक था। गुरुजी को भारी विनती की और अपने को शिष्य के रूप में गुरुजी को अर्पण कर दिया। गुरुजी ने भी उनकी विनती को स्वीकार कर लिया। उधर मैनावंती अगली प्रातः काल को पूजा के लिए निजी मंदिर में जाती है। मंदिर में देवताओं के चित्र लगे हुए थे। चित्र में कहीं नरसिंह भगवान हिरण्यकश को मार रहे थे, तो कहीं राम द्वारा रावण का वध हो रहा था, और कहीं शिव प्रलय करके स्वयं लय हो रहे थे। मैनावंती को आभास हुआ कि जब शंकर तक भी काल के ग्रास बन गए तो तेरा गोपीचंद कैसे अमर हो सकता है। माँ इस प्रकार सोचने लगी, अरे सुत की शान पिया का फोटू ममता प्रीत बिलकती देखी, थर थर गाते काप गया मका, धीरे मौत सरकती देखी, सुत की शान पिया का फोटू ममता प्रीत बिलकती देखी, थर थर गाते काप गया मका, धीरे मौत सरकती देखी। तेरा मर के रावण से बलकारी, जिसने अधरती भोगी सारी,
जिसने धरती भोगी सारी शक्ति हिरणा उसकी हारी शक्ति हिरणा उसकी हारी माया कम कड़कती देखी शिव शंकर तक अमर रहना चीजी आके फरकती देखी सुत की श्याल पिया का फटू ममता पीठ बिलकती देखी थर थर गाते काप गया मका धीरे मौत सरकती देखी ये धरती मृत्यु का तकता हिर भई ये धरती मृत्यु का तकता जीवन पाच तुम्हारे पक्का जीवन पाच तुम्हें पक्का होनी पाक पर खेती देखी जम्मा तक फस रहे जाल में बलि और बुद्धि थकती देखी सुत की शान पिया का फटू ममता पीठ बिलखेती देखी थर थर गाते काप गया मचा धीरे मौत सरकती देखी मरा कोई कल मर जागा जो आया वो उस घर जागा हे रनु बोला जो आया उस घर वो जागा किए कर्म का घट भर जागा किए कर्म का घट भर जागा सबकी कली मसकती देखी मोकी चोट जीव के लगता बारंबार चसकती देखी सुत की श्याल पिया का फटू ममता प्रीत बिलकती देखी थर थर गाते काप गया मका धीरे मौत सरकती देखी पाल उमर कम होती पल पल हेर भाई शिष पाल उमर कम होती पल पल छोड़ गुमाले संभल के चल रे छोड़ गुमाले संभल के चल हमने धरती तलके दलकती देती कवि कलम के निभाल जाय रे मस्ती दवा तो छलकती देखी सुत की श्याल पिया का फटू ममता प्रीत बिलकती देखी थर थर गाते काप गया मका धीरे मौत सरकती देखी सुत की श्याल पिया का फटू पीत बिलकती देखी थर थर गाते काप गया मका धीरे मौत सरकती देखी।